मैं आवाज दे रहा हूं जनाब एमआर चिश्ती को कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, तबीयत अपनी घर घबराती है इन सुनसान रातों में, तो ऐसे में तेरे यादों की चादर तान लेते हैं। आपके सामने जनाब एमआर चिश्ती। बहुत बहुत शुक्रिया। गजल से पहले चार मिसरे आप लोगों की नजर कर रहा हूं। अब जो है इसके बाद देने के बाद मैं आज खुद को परेशान करने वाला था, मैं आज खुद को परेशान करने वाला था, किसी के इष्ट का सम्मान करने वाला था, किसी के इष्ट का सम्मान करने वाला था, उसी ने खुद से अलग कर दिया मुझे वरना, उसी मैं उस पे जान भी कुर्बान करने वाला, मैं उस पे जान भी कुर्बान करने वाला था, किसी के इष्ट का सम्मान करने वाला था। बस दिखा है कि आप लोग किस मिजाज का सुनते हैं, गजल की तरफ भी आ रहे हैं। फूल मुरझा गए यादों के महक पाती है, फूल मुरझा गए यादों के महक पाती है, मुझ में ऐ चांद अभी तेरी चमक पाती है, मुझ में ऐ चांद अभी तेरी चमक पाती है, आज बच्चों खिलौने की कसक बाती है, दिल में एक और खिलौने की कसक बाती है, फूल मुरझा गए यादों के महक बाती है। तवज्जो चाहता हूँ इधर, बड़ी मेहनत से गजल, ये गजल कह रहा हूँ आप लोगों के बीच में। फूल मुरझा गए यादों के महक पाती है, और ये शेर खास तौर से नौजवान दोस्तों की नज़र। उसने एक बार पलट कर मुझे देखा जिस दम, उसने एक बार पलट कर मुझे देखा जिस दम, उसने एक बार यूं लगा शाख मोहब्बत में लचक पाती है, यूं लगा शाख मोहब्बत में लचक पाती है, उसने एक बार पलट कर मुझे देखा जिस दम, यूं लगा शाख मोहब्बत में लचक पाती है, वक्त ने खून निचोड़ा है बदन का फिर भी, वक्त ने खून निचोड़ा है बदन का फिर भी, वक्त ने खून निचोड़ा है बदन का फिर भी, मेरे लहजे में वो पहली सी खनक पाती है, मेरे लहजे में वो पहली सी खनक पाती है, फूल मुरझा गए यादों के महक पा। चार मिसरे और पेश कर रहा हूं, गजल के चार मिसरे और उसके बाद बस।
प्यार की हकीकत को दिल मेरा समझता है, दिल मेरा समझता है। प्यार की हकीकत को दिल मेरा समझता है, दिल मेरा समझता है। कौन कितना प्यारा है आईना समझता है, आईना समझता है। कौन कितना प्यारा है आईना समझता है, आईना समझता है। कितना भोला भाला है मेरा चाहने वाला, कितना भोला भाला है मेरा चाहने वाला, मेरा चाहने वाला। इस हकीर हस्ती को देवता समझता है, देवता समझता है।